उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसकी जांच मनरेगा लोकपाल के द्वारा की गई। उनके साथ उनकी पूरी टीम रही। मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार की लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत के चलते करोड़ों रुपए के हुए बंदरवाट की मामले को उजागर किया था। जिले में ग्रामीणों का आरोप था कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत के चलते मनरेगा के कार्य में करोड़ों रुपए का बंदरवाट हुआ और यह घोटाला सामने आया। लोकपाल मनरेगा ने कहा, जांच कर साक्ष्य संकलन किए गए हैं और जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह पूरा मामला जसपुरा विकासखंड के सेखुला गांव का है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। किस तरह की जांच, किस तरह का आपने माना किया? विकासखंड जसपुरा के अंतर्गत सिकौला की दो जांचें काफ़ी अरसे से लंबित थी। कौन कौन सी? एक तो सिकौला ग्राम निवासी गजेंद्र सिंह चौहान की, उसमें कई 14-15 बिंदु थे। दूसरी शिकायत इसी गांव की शिकायतकर्ता, इस गांव के रहने वाले नहीं हैं, श्री राजेंद्र यादव, और उन्होंने 4-5 शिकायतें इस गांव की किया था। तो शासन पर भी इसको रेफर किया गया, शासन से भी लोकपाल के पास जांच के लिए निर्देश आए हैं। उसी क्रम में पूर्व निर्धारित सूचना के आधार पर आज दिनांक 19 को राजेंद्र यादव की शिकायतों पर गहन निरीक्षण किया गया, रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए गए और साथ ही साथ दो शिकायतें जो कल होनी हैं गजेंद्र सिंह चौहान की, उसमें से दो शिकायतों का भी स्पॉट इन्वेस्टिगेशन किया गया। शिकायत का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत समस्त अभिलेख ब्लॉक स्तर से और जनपद स्तर से संकलित करके इसमें उचित जो है कार्रवाई अमल में लाई। अभी तक आपने जांच की है, उसमें क्या पाया? अभी तक जो जांच है वो हमने उनका मेजरमेंट कर लिया है, जो हमारा मानक में है, जो एस्टीमेट में है और जो मौके पर बना हुआ है, उसका मेजरमेंट हमारे इंजीनियर से कर लिया है। इसका कैलकुलेशन करके इस पर कितना भुगतान हुआ है, मास्टर रोल की जाँच एवं अन्य जाँच जो है वो मिलान करके की जाएगी। और यदि कोई भैया कहाँ पर खड़े हुए हैं, आज किस तरह की जाँच हुई है? आज तकरीबन 5 काम की जांच हुई है जी, जो कुछ मनरेगा संबंधित है जी, और श्री राजेंद्र यादव की जांच की तहरीर पर। अच्छा, ये बताइए, आज मनरेगा के नंदलाल शुक्ला जी आए हुए थे, तो उन्होंने आपके संतुष्ट हैं आप उनकी जांच से? अभी तक क्या क्या जांचें हुई? अभी तक फूड कोर्ट सेंटर है जी, मेड़बंदी है, मेड़बंदी देखा, जहाँ पर बिल्कुल मिट्टी नहीं थी, अनियमितता पाई गई, बिल्कुल काम नहीं हुए थे। अच्छा, कोई कोई काम में ऐसा था कि काम दिन जगह हुआ था और नाम दिन जगह था। अच्छा, तो मतलब काफ़ी बंटर बार था जी, जी, जी। बताइए, तो उसमें जांच में आप लोगों के सामने जांच हुई, तो आपको क्या लगता है कि उसमें अनियमितताएँ पाई गई हैं? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या नाम है आपका? राजेंद्र।